वाराणसी कमिश्नरेट थाना अंतर्गत एक चौकी इंचार्ज पर गैंग बनाकर लूट करने का आरोप लगा है, जिससे पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर चौकी प्रभारी सूर्य प्रकाश पांडे ने अपने साथियों के साथ फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम बताकर जांच किया और ज्वेलरी व्यापारी से 42,50,000 रुपए की लूट की। घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जांच के दौरान सर्विलांस के माध्यम से चौकी प्रभारी के संदिग्ध मिलने पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए हिरासत में ले लिया, तो पूरे प्रकरण का सच वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के सामने आया। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने आरोपी दरोगा और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट के राशि में से 8 लाख व 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।